आईपीएल 2024 ऑक्शन के लिए बैटिंग ऑलराउंडर शाहरुख खान को गुजरात टाइटंस ने 7,40,00,000 रुपए में खरीदा है। शाहरुख का बेस प्राइस 40,00,000 रुपए था। 2021 में उन्होंने पंजाब किंग्स की तरफ से आईपीएल डेब्यू किया था, तब उन्हें 5,25,00,000 रुपए में खरीदा गया था। फिर 2022 में उन्हें 9,00,00,000 रुपए मिले। पिछले सीजन के बाद पंजाब किंग्स ने उन्हें रिलीज कर दिया। आज के ऑक्शन में शाहरुख खान के नाम पर पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच फिर बोली लगी। 40,00,000 से शुरू हुई बोली 7,00,00,000 पार कर गई। आईपीएल करियर में शाहरुख ने 33 मैच में 426 रन बनाए हैं, जिसमें 26 चौके और 28 छक्के शामिल हैं। पिछले सीजन की बात करें तो शाहरुख ने 14 मैच में 156 रन बनाए थे, जिसमें 13 चौके और 9 छक्के शामिल थे। शाहरुख खान की इमेज हार्ड हिटर की है। गुजरात टाइटंस से चूंकि अब हार्दिक पांड्या जा चुके हैं, तो शाहरुख को लोअर ऑर्डर में तेजी से रन करने का जिम्मा दिया जा सकता है। उनके अलावा गुजरात ने अफगानिस्तान के ऑलराउंडर अजमतुल्लाह उमरजई को बेस प्राइस 50,00,000 रुपए में और भारत के फास्ट बॉलर उमेश यादव को 5,80,00,000 रुपए में खरीदा है। ओवरऑल आईपीएल ऑक्शन की बात करें तो सबसे महंगे बिके ऑस्ट्रेलिया के दो खिलाड़ी। फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 24.75 करोड़ रुपए में खरीदा। इसके साथ ही वो आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस को सनराइजर्स हैदराबाद ने 20,50,00,000 में खरीदा। वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलर अल्जारी जोसेफ को आरसीबी ने 11,50,00,000 रुपए में खरीदा। न्यूजीलैंड के बैटर डेरिल मिचेल को सीएसके ने 14,00,00,000 रुपए में खरीदा है। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं हूं गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप लोग देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।